नीट पेपर स्कैम में हर क्रोनोलॉजी बीजेपी नेताओं की तरफ जा रही है। 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद करने वाले इस स्कैम के तार बीजेपी से लगातार जुड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार ने देश भर के छात्र छात्राओं का भविष्य तबाह कर दिया है। कभी पेपर लीक तो कभी पेपर सेटिंग, सभी छात्र छात्राओं को करनी पड़ रही है सिर्फ वेटिंग। नीट पेपर स्कैम में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता से पर्दा तब उठा जब हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित हरदयाल पब्लिक स्कूल से इसके तार जुड़े। ये स्कूल नीट परीक्षा का सेंटर था। इस स्कूल से 6 टॉपर थे जिनके स्कोर 720 में से 720 थे और 2 टॉपर ऐसे थे जिनका स्कोर 720 में से 718-19 थे। यह हरदयाल पब्लिक स्कूल बीजेपी युवा मोर्चा झज्जर के अध्यक्ष शेखर यादव के परिवार का है। ये संयोग नहीं हो सकता कि ये बीजेपी का प्रयोग नजर आ रहा है। इस क्रोनोलॉजी के तार सिर्फ हरियाणा से नहीं जुड़े बल्कि इस क्रोनोलॉजी के तार बिहार में बीजेपी जदयू के नेताओं तक भी पहुंच रहे हैं। नीट स्कैम में आरोपी आनंद की मां जदयू की जिला अध्यक्ष हैं और नीट का सेंटर आनंद बीजेपी नेता का करीबी भी है। नीट स्कैम में अन्य आरोपियों के एड्रेस भी फर्जी निकल रहे हैं। देश के युवाओं के भविष्य को बीजेपी गठबंधन सरकार ने दांव पर लगा दिया है। हम पूछना चाहते हैं कि नियमों को दांव पर लगाते हुए ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए? नीट परीक्षा का रिजल्ट हड़बड़ी में समय से पहले 4 जून को क्यों जारी किया गया? नीट परीक्षा धांधली में शामिल बीजेपी नेताओं पर कब कार्रवाई की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट परीक्षा धांधली के मामले में बर्खास्त कब किया जाएगा? देश की छात्र शक्ति जवाब मांग रही है। जवाब देना ही होगा, हिसाब देना ही होगा।